एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और कबीर को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद आधे घंटे का रेस्ट तो बनता है। 6 o'clock से उठ जाते हैं और काम कंटिन्यू चलता रहता है, तो मैं आधे घंटे आराम से रेस्ट करती हूँ। और अभी मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी, तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में फ्रूट्स लेती हूँ, बट आज बहुत तेज वाली भूख लगी है, तो आई थॉट कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया जाए। तो अभी मैं बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज, और जो मेरा लास्ट ब्लॉग था हिमायू टॉम वाला, उसको आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो देख लेना। एंड अभी दिखाती हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कुछ स्पेशल तो नहीं बना रही हूँ, हमेशा की तरह यहाँ बन रही है चाय, यहाँ बन रहा है ऑमलेट, दो ब्रेड ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके रख लिए हैं, टोस्ट करके रख लिए हैं, और ये ऑमलेट रेडी होने वाला है, और ये बहुत ही फ्लफी सा ऑमलेट बना है। और तो बस मेरा ब्रेकफास्ट भी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो अभी मैं खाऊंगी एंड देन यहाँ पे अभी मैं चाय भी निकाल लूँ। तो दोस्तों, ये बन चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। एक सेकेंड, दिस इज माई ब्रेकफास्ट एंड चाय भी रेडी हो गई है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूंगी। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ कबीर को लेने, क्योंकि उसकी स्कूल बस आने वाली है, और वैसे डेली रेगुलरली 2 o'clock आती थी, आज 1:30 आने वाली है, बिकॉज अब थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया है समर्स की वजह से। और दूसरी चीज, आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी। लास्ट मैंने आपको अपने बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखाए थे और उसमें बताया था कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसमें से जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन, जो मुझे अभी पसंद आई है फाइनली, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना अलग अलग ब्रांड्स की सनस्क्रीन यूज कर चुकी हूँ। किसी में कुछ प्रॉब्लम होता था, किसी में कुछ में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती थी, एज मेरी नॉर्मल स्किन है, ड्राई कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन टाइप है, तो समटाइम्स ये बहुत ऑयली होती थी, समटाइम वाइट कास्ट बहुत ज्यादा होता था। बट ये जब से मैंने ना ये वाली गुड वाइब्स की सनस्क्रीन जब से मैं यूज कर रही हूँ विथ SPF 50, तो मुझे इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और इसको यूज करने के बाद आई एम सो हैप्पी। तो मैं जिन लोगों की भी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, वो लोग आराम से ये वाली गुड वाइब्स की सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ऑयली स्किन वाले भी यूज करेंगे ना, तो दे विल नॉट फील टू मच ऑयली, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाती है। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है ना तो आप परचेस कर सकते हो, ऑब्वियसली पर्पल पे आपको आराम से मिल जाएगी, तो ट्राई कर लेना, वहाँ पे देख लेना। और हमेशा इसमें डिस्काउंट मिलता ही रहता है, इसकी MRP मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, बट इसमें ऑलवेज डिस्काउंट होता ही होता है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो एनीवेज, आई एम गोइंग नाउ एंड मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, आज बन रही है डिनर में कढ़ी, और एज यू कैन सी अभी ये पक रही है, और साइड वाइज मैंने यहाँ पे देखिए पकौड़ों की भी तैयारी कर ली है। तो मैंने अनियन और ये धनिया मिर्ची सारा कुछ डाल के इसमें रख दिया है, और बस अब थोड़ी देर में पकौड़े फ्राई करूंगी, और साथ में कढ़ी भी बन रही है, और अदर प्रिपरेशंस भी हो रही है, और क्या क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। और मैंने आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी बहुत बार शेयर की है, अगर आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और हाँ जी, तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक आउट। और मैं हमेशा, कुछ लोग ये कढ़ी जो बनाते हैं ना वो विदाउट अनियन बनाते हैं, बेसन की पकौड़ी, बट मैं हमेशा अनियन के साथ ही बनाती हूँ, और शुरू से मेरे यहाँ ऐसे ही बनती है, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। अभी मिलवाती हूँ कबीर से। सीधे बैठो बेटा, कैसे बैठे हो आप? यहाँ पे कबीर का हो रहा है होमवर्क, और यहाँ पे देखिए घर की कंडीशन कुछ इस तरीके से करके रखी है।
तो इवनिंग का टाइम होता है, कबीर होमवर्क करता है और सारी चीज़ें अपनी फैला देता है और मैट भी बिछा के नहीं बैठे हो आप, कोई चींटी काट लेगी आपको, काट लेगी, साफ सुथरा है। तो गाइस बस, और यहाँ मैं पी रही थी चाय, तो बस ये भी ऐसे ही पड़ा है, अभी मैं उठा के लेके जाती हूँ। और दोस्तों ये देखिए, कबीर ने कुछ काम किया है तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लाइक कुछ ड्राइंग्स की हैं। ये तो आपने अभी किया नहीं है ना, गंदा नहीं है, ठीक ठीक है। कबीर ने मैंगो बनाया है, एंड देन ये वाला भी आपने नहीं किया ना, शेडिंग वाला, एंड देन ये फ्लावर्स बनाए हैं और ये ट्री हाउस बनाया है। कबीर को कलरिंग करना तो बहुत पसंद है, लेकिन ड्राइंग करना नहीं पसंद है ना कबीर, लेकिन ड्राइंग नहीं करोगे सिर्फ कलरिंग से काम कैसे चलेगा। किस चीज़ का होमवर्क कर रहे हो, मैथ्स? तो दोस्तों यहाँ पे पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने बाकी बचे हुए पकोड़े कढ़ी में ऐड कर दिए थे और अभी इसमें तड़का लगना बाकी है, तो अभी हो गया है ऑलमोस्ट एक घंटा पकते हुए, इसे मैं लास्ट में तड़का लगाऊंगी। तो बस अब कढ़ी भी बन के रेडी, अभी मैं राइस बनाऊंगी एंड देन थोड़ा सा चपाती के लिए आटा गूंदूंगी। तो ये पकौड़े मैंने अलग से बनाए थे खाने के लिए, क्योंकि कबीर का भी मन करता है और मेरे हस्बैंड का भी मन करता है अलग से पकौड़े खाने के लिए। तो ये तो अनियन के हैं, मैंने आलू भी काट के रखे हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर में आलू के पकौड़े भी बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये कढ़ी कैसी लग रही है, कमेंट्स में बताना, अभी फाइनल नहीं है, अभी इसमें तड़का लगेगा, देन मैं आपको अगेन फिर से दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ साथ में मैंने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करके रखा था, अराउंड एक घंटा हो गया इसको मैरिनेशन के बाद, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं इसको सोच रही हूँ कि यही पकौड़े वाले तेल में इसको मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था इसे माइक्रोवेव में बनाऊँगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो तुरंत ही फ्राई कर लेती हूँ। और ये चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ स्पेशली कबीर के लिए, तो कबीर को ऐसे ही बहुत पसंद है, बिकॉज वो ग्रेवी वाला चिकन कभी नहीं खाता है, ना ही एग खाता है, तो मैंने सोचा चलो उसे फ्राई करके दे देती हूँ, ऐसे वो अच्छे से खा लेगा। तो अभी मैं फ्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये बन के हो गए हैं रेडी, और ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ जी, और अभी ये और भी ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि इनको मैं रख दूँगी, इतने सिर्फ दो ही या तीन ही बचे हैं मैं। तो ये बेसिकली चिकन विंग्स हैं जो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी लगते हैं, आप लोग ट्राई करके देखना। और रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है ब्लॉग में, तो मैं आपको वो लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। और हाँ जी, ये मैं कबीर को दूँगी, लाइक कबीर इतने सारे तो खाएगा नहीं, दो या तीन खाता है, तो यहाँ पर मैंने ये हॉट केस निकाल के रखा है, तो मैं कुछ इसमें रख दूँगी एंड कबीर को दो या तीन इसमें से दे दूँगी। तो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताना। सूट नहीं किया बिकॉज आज बहुत गला खराब है, खांसी आई है, रात भर भी सही से सो नहीं पाई, तो इस वजह से मन नहीं था। और मौसम काफ़ी ढका हुआ है, यहाँ पे बारिश जैसा मौसम है, तो अभी मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, कबीर को तो बना के दे दिया, अब अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से एक बात पूछना चाह रही थी कि लाइक मैं एक ऑनेस्ट रिप्लाई चाह रही थी आपसे कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हो, लाइक मैं ब्लॉग्स ही कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं वीक में दो ब्लॉग्स डालती हूँ
और आप लोगों से मैं पूछना चाह रही थी कि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाना कंटिन्यू रखूं या किसी और सब्जेक्ट को लेके वीडियोस बनाऊं, क्योंकि लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि एकदम से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और समटाइम्स ऐसे होता है एकदम एक जगह पे ही थम जाते हैं। मैं एक साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो जेन्युइनली आप लोगों का रिप्लाई चाहिए, बिकॉज मैं जो बनाती हूँ मैं वो वॉच करती हूँ तो मुझे तो वो ठीक ही लगता है, बट आप लोगों का रिव्यू क्या है वो मुझे जानना है। एंड सेकेंड थिंग, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो वो आप लोगों को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, या लाइक स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ, बिकॉज मेरे को जिन चीज़ों का नॉलेज है मैं बस उसी से रिलेटेड वीडियोज़ बना सकती हूँ। तो आई वॉन्टेड टू नो कि आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं या मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, किसी लाइक होम रेमेडीज से रिलेटेड बनाऊँ, स्किन केयर और लाइक फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, क्या आप लोग ज़्यादा पसंद करोगे। तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग कमेंट करें और मुझे बताएं, बिकॉज उससे आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ूंगी अपनी यूट्यूब की जर्नी में। तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करना और मुझे ज़रूर से बताना कि लाइक अकॉर्डिंग टू यू मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में।